नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीके गुरुजी स्टडी पॉइंट में। आज की शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन होगी 60 वर्ड प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विकसित देशों के पास अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार एक नहीं अनेक वैज्ञानिक विश्वकोश उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध हैं, जो विकास सामग्री की प्रामाणिक जानकारी के लिए केंद्र बिंदु की तरह प्रेरक का कार्य करते हैं। हमारे देश में पुस्तकालयों में इन विदेशी विश्वकोशों से अलमारियां भरी नजर आती हैं। बिरला ही कोई ऐसा पुस्तकालय होगा जहां भारतीय विश्वकोश प्राथमिकता पर रहे हों। संभवतः इसका एक प्रमुख कारण यह भी हो सकता है कि भारतीय ज्ञान और धरती से जुड़े साहित्य पर विश्वकोशों की दिशा में बहुत कम काम हुआ है। यदि आवश्यकता होती भी है तो लोग अंग्रेजी भाषा के विश्वकोशों से काम चलाते हैं। आप जानते ही हैं कि देश में अंग्रेजी भाषी मात्र 2% के आसपास है। अतः देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए इन विदेशी विश्वकोशों से भारतीय जनमानस की आवश्यकताओं की पूर्ति ऊंट के मुंह में जीरा से अधिक कैसे हो सकती है। अतः यदि देश को विकसित देशों के समान 21वीं सदी में प्रगति करनी है तो भारतीय भाषाओं में स्वदेशी वैज्ञानिक विश्वकोशों की रचना की दिशा में विदेशी मोह त्यागते हुए तेजी से कार्य करना होगा। आज यह बात भले ही हास्यास्पद लगे, लेकिन कालांतर में भारतीय वैज्ञानिक विश्वकोश विकास की राह में आगे चलने वालों के लिए मार्गदर्शन मील के पत्थरों से कहीं अधिक महत्व के होंगे। पैराग्राफ। यहाँ ये बात भी विशेष उल्लेखनीय है कि महत्वपूर्ण होते हुए भी भाषा का प्रश्न क्षेत्रीयता, संकीर्णता तथा राजनीतिक दाव पेचों में कुछ ऐसा उलझ गया है जो आवश्यक होते हुए भी चर्चा
का विषय तो रहता है, लेकिन पूरे उल्लास के साथ फलीभूत नहीं होता। हिंदी में वैज्ञानिक विश्वकोश की रचना की नींव डालने वालों डॉक्टर सत्यप्रकाश ने एक बार ठीक ही कहा था कि किसी भी बात के अपनाए जाने के लिए चाहे वह पुरानी अथवा नई ही क्यों ना हो, राजनीतिज्ञों, वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों में से तीनों का सहयोग मिलना आवश्यक होता है। फुल स्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद।